आईआईपी आगरा ब्रांच ने समर्पण ब्लड बैंक के साथ मिलकर विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आईआईपी के चिकित्सकों ने रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंपों में अब तक 30 से अधिक बार डॉक्टर सुनील अग्रवाल और 15 से अधिक बार डॉक्टर अरुण जैन रक्तदान कर चुके हैं। आईएपी आगरा ब्रांच ने समर्पण ब्लड बैंक के साथ मिलकर विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आईएपी के चिकित्सकों ने रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंपों में अब तक 30 से अधिक बार डॉक्टर सुनील अग्रवाल और 15 से अधिक बार डॉक्टर अरुण जैन रक्तदान कर चुके हैं। आज हम लोग थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम समर्पण ब्लड बैंक के तत्वाधान में और आईपी के तत्वाधान के तहत इसको ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। इसका मकसद है कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको हर एक महीने खून की आवश्यकता होती है, तो लोगों को जागरूक करना और उनके स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि उनको ये मिल पाए। समर्पण की भी अच्छी पहल है कि ये बच्चों को, ये थैलेसीमिया के बच्चों को फ्री में ब्लड डोनेट करते हैं, बिना डोनर के भी ब्लड डोनेट करते हैं। तो इसी को हमें मोटिवेट करना है, लोगों में जागरूक पैदा करनी है कि कृपया करके ब्लड दें और इन बच्चों की मदद करें आगे आके। दिल्ली गेट स्थित समर्पण ब्लड बैंक में आईएपी आगरा ब्रांच ने विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आईएपी के चिकित्सकों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। आईएपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर महीने खून की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए खुद आईएपी के चिकित्सकों ने रक्तदान किया। रक्तदान के कई फायदे हैं, जिसमें रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। रक्तदान से ना सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि दिमाग पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। एकेडमिक और पेडियाट्रिक एसोसिएशन ने ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है। जैसा कि मालूम होना चाहिए 8 तारीख को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनको ये एड देने के लिए, उनके लिए रक्तदान संग्रह किया जा रहा है ताकि उन बच्चों को सुगमता से, जैसे कि उनकी ब्लड की डिमांड होती है, उनको दिया जाता रहे ब्लड, निर्बाध रूप से दिया जा सके उन ब्लड। ऐसे ये डॉक्टर्स ने ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कई बार से करते आ रहे हैं हम लोग, डोनेशन की बहुत बातें करते हैं कि जानवरों को खाना खिलाना या किसी गरीब को दान करना एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनती है और कभी भी किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो ब्लड डोनेट हर एक को करना चाहिए और मैं साल में 3 से 4 बार करती हूँ और कभी मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल से जो रिक्वायर्ड है उससे नीचे कभी नहीं जाता है। तो ब्लड देने से ब्लड कभी कम नहीं होता, कोई कमज़ोरी नहीं आती है। आप दो कुछ एक ही महीनों में आपका ब्लड वापस से बन जाता है उतना। तो जो चीज़ नेचुरली आपके पास है उसे गिफ्ट की तरह औरों को भी दें, ये किसी की बहुत बड़ी हेल्प होगी। सचिव डॉक्टर योगेश दीक्षित ने लोगों से आह्वान किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर युवराज सिंह, डॉक्टर राकेश भाटिया और डॉक्टर अनिल अग्रवाल रहे। डॉक्टर स्वाति द्विवेदी ने कार्यक्रम का संचालन किया। WHO ने 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन एक दिन में सारे कार्यक्रम नहीं हो पाते, तो इसलिए आज हमने यहाँ पर समर्पण ब्लड बैंक में एक ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं। तो इसमें हम सब डॉक्टर यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। एक्चुअली रक्तदान का उद्देश्य है कि जो थैलेसीमिया वाले मरीज हैं उनको हर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद खून की आवश्यकता होती है और ये जीवन पर्यंत उनको पड़ती है, तो इसलिए समाज में लोग उनके लिए रक्तदान करें और लोगों के मन में जो रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ हैं और लगता है कि हमें कमजोरी आ जाएगी हमें, तो हम यहाँ के ये रक्तदान कर रहे हैं और ताकि लोगों में ये भ्रांति खत्म हो और लोग स्वेच्छा से उनके लिए रक्तदान करें, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी मदद होगी। और आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, थैलेसीमिया डे पे आईएपी आगरा द्वारा ये आयोजन किया गया है, इसमें सब लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर रहे हैं। ये जो रक्तदान दिया जा रहा है ये थैलेसीमिया के उन बच्चों को दिया जाएगा जिनको कि हमेशा बार बार खून चढ़ाना